ऐसा आप लोगों का ये संकल्प है और हिमालय के समान ये अटल संकल्प है। बढ़ रहे हैं, सेवा से, सत्संग से और साधना से आत्मा का कल्याण है। सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके सेवा का सौभाग्य दिया है, सत्संग का अवसर दिया है, साधना का अभ्यास बतलाया है। सेवा, सदगुरु हरि भजन, अरु सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए, तीन सार संसार। इस असार संसार में ये तीन सार तत्व हैं जिन्हें हम सेवा, सत्संग और साधना कहते हैं। तो सेवा हमारे लिए सौभाग्य है, ये कोई भार नहीं है, ये सौभाग्य है। सब कुछ हमें प्राप्त है इस सृष्टि में ईश्वरीय कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, और अपनी शक्ति का उपयोग सेवा कार्य में करना, ये भक्ति का प्रथम लक्षण है। भक्ति जो शब्द है वो भज सेवायाम धातु से ही निष्पन्न है, जिसका प्रथम अर्थ है सेवा। धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव, अनुगामी गुरुदेव। धन से, शरीर से, मन से और वचन से सेवा दो प्रकार की होती है। एक सेवा को हम कहते हैं नित्य सेवा, और एक जो सेवा है वो नैमित्तिक सेवा है। एक नित्य है, एक नैमित्तिक सेवा है। प्रतिदिन हम सेवा के भाव से जागृत रहें, किसी विशेष निमित्त में, विशेष कार्य में हम सहयोग करते हैं और करना ही है। कैसे करेंगे? सद्गुरु देव ने कहा धन से, शरीर से, मन से या वाणी से, ये चार प्रकार से सेवा कर सकते हैं। ये चार प्रकार हैं, सेवा है दो प्रकार की, नित्य और नैमित्तिक। करने के माध्यम चार हैं।
धन की सेवा, शारीरिक श्रम की सेवा, मानसिक संकल्पों की भी सेवा और वाणी की सेवा। सेवा सब कल्याणकारी है, जिसमें हमारी रुचि हो और जिसमें हमारी निष्ठा हो, कम ज्यादा चारों प्रकार का माध्यम हमें उपयुक्त लगना चाहिए। कोई वाणी की सेवा करते हैं, कोई साथ में धन की भी सेवा करते हैं, कोई शरीर की सेवा करते हैं। सेवक बनने में ही कल्याण है। सेवक सबसे बड़ा होता है, सेवक से बड़ा कोई नहीं होता। स्वामी जी क्या कहते हैं स्वरवेद में, शिष्य हमारे सब बड़े, कर्म गुणन कर भेद। सेवक बड़ा है। जो भी हम अपने शरीर से, मन से, वाणी से, धन से इस ईश्वरीय कार्य में, इस सद्गुरुदेव के कार्य में, इस कल्याणकारी कार्य में, इस भारतीयता के कार्य में अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, वो सब हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी है। साधन सेवा प्रथम है, सेवा हीन न ज्ञान, भक्ति मुक्ति पावो नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर चले जाएंगे, बीच में ही मिला है, अब बीच में ही छूट जाता है, कोई रहने नहीं आया है, कोई आगे है तो कोई पीछे, उसका भी नंबर लगा है। ये संसार मृत्यु लोक है, ये तो मुर्दों का ही शहर है साहब। जो आया है वो जाएगा, कोई रहने थोड़ी आया है, कोई आगे है कोई पीछे है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर चले जाएंगे। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अपने कारण में चली जाती है। इस विश्व में दो प्रकार के ही तो पदार्थ हैं, एक जड़ है, दूसरा चेतन है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है। परिवर्तन इसका नियम है, कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। मित्र प्यारे, सोच देखो विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं,
प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। तो शरीर नष्ट होने वाला पदार्थ है, क्योंकि इसका जन्म हुआ है। आत्मा का जन्म नहीं होता, इसीलिए आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती। यो न मृतः, अर्थात जो मरा नहीं और जो मरता नहीं वो उत्पन्न भी नहीं होता, वो शाश्वत होता है, वो नित्य होता है, वो सनातन होता है, वो सदैव होता है। आत्मा जन्म और मरण से रहित सत्ता है। शरीर छूट जाता है, शून्य शिखर की वाणी क्या कहती है, सदगुरु देव की वाणी क्या कहती है, हम यूं ही नहीं बैठे हैं यहां। जो भी विहंगम योग के साधक हैं, हंस हंसिनिया हैं, जिनके ऊपर इस ज्ञान का बीज पड़ा है, जो इस मार्ग में हैं, जो स्वर वेद के पथ पर हैं, साधना के अभ्यास में हैं, साधना के पथ में हैं, जो भयंगम योग सत्संग में है, जो सेवा में है, जो सत्संग में है, जो साधना में है, क्या छूट गया शरीर, नष्ट हो गया शरीर? और नष्ट होगा ही, सब जा ही रहे हैं, संसार ही मृत्यु लोक है, परिवर्तन इसका नियम है। ये बना है मिश्रण से, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से सत विकारों को प्राप्त होने वाली ये स्थूल देह है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। पहले कहा जायते, हाँ जायते उत्पन्न होता है, ये शरीर उत्पन्न होता है, माता पिता के संबंध से, रज और वीर्य के संबंध से सट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह उत्पन्न होती है। और जैसे ये भौतिक देह उत्पन्न होती है, वैसे ही ये विश्व उत्पन्न होता है। प्रकृति प्रसव धर्मिणी है, जिससे पदार्थ बनता है उसे ही प्रकृति कहते हैं। पुरुष का संबंध चाहिए, तब ये जो प्रकृति है प्रसव करती है, विश्व बनता है इससे। प्रक्रियते अनएति प्रकृति,
जिससे 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 पदार्थ बनता है, जिससे पदार्थ बने वो प्रकृति है। ये शरीर किसका है? शरीर का है। भोगायतनम शरीरम, ये शरीर ही प्राकृतिक है। ये शरीर ही मिट्टी का है। अब मिट्टी की शरीर है, मिट्टी में मिल जाती है। हम कहते हैं मिट्टी की शरीर है और मिट्टी में मिल जाती है, क्यों? क्योंकि शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये माटी के ही बनल बा। शरीर का मुख्य और बाहरी भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का ही तो बना है। अग्नि हमारे भीतर है, अग्नि जो बाहर है वो भीतर है। पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा ये कहां से मिल रही है? ये किसका काम है? ये अग्नि का काम है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना, मिलाना, ये जल तत्वों की भूमिका है। जो जो बाहर है ना वही भीतर है। जल रज और वीर्य बनकर हम सबके शरीर में प्रतिष्ठित है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। वायु है हमारे भीतर, पंच प्राण और पंच उपप्राण के रूप में। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्चै, प्राणो ही भूतानाम आयुः। प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है। एक प्राणी दूसरे प्राणी को उत्पन्न करता है। प्राण का खेल निराला है। तो जो भीतर है वो बाहर है। आंखों से हम प्रकाश देख रहे हैं। एक दूसरे को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये जो सूर्य देव हैं ये हमारे आंख में हैं। ये सूर्य देव आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट है। ये दिशाएं श्रुत बनकर हमारे हमारे कर्ण कुहरों में प्रविष्ट हैं। ये वायु प्राण बनकर हमारे नासिका में प्रविष्ट है। श्वास प्रश्वास का क्रम चल रहा है। ये जल वीर्य और रज बनकर हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषया नुपसेवते। आंखों से प्रकाश दिख रहा है, नासिका से सूंघ रहे हैं, ये सुगंध है, ये दुर्गंध है,
कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, जिह्वा से रस ले रहे हैं, ये खट्टा है, ये तीता है, ये चरपरा है, ये मीठा है, ये कटु है, ये कसाय है, ये तिक्त है। रस ले रहे हैं और ये जो त्वचा है इससे स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। वो सब बाहर का पूरा मिल रहा है, बाहर का जितना है और वो सब जितना वो सब इससे हम ग्रहण करते हैं। गति ही बहिर्मुखी है। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, जो हमारे शरीर के रथ को आगे बढ़ा रही हैं वही इंद्रियां हैं। शरीर जड़ है, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट हो जाता है, जो आया है सो जाएगा, और जहां से आया है वहीं जाएगा। ये शरीर माया का है, ये शरीर प्रकृति का है, ये चला जाएगा प्रकृति के तत्वों में। स्थूल है वो चला गया सूक्ष्म में। नष्ट हो गया शरीर, पूर्ण नहीं हुई हमारी साधना, क्या कहता है स्वर वेद का दर्शन, विहंगम योग का सिद्धांत। सदगुरु की वाणी क्या कहती है, क्या सेवा में, सत्संग में, साधना में बढ़ रहे हैं, शरीर नष्ट हो गया, क्या गाड़ी बंद हो गई, क्या अंधेरा छा गया, सद्गुरुदेव क्या कहते हैं, क्या कहती है उद्घोषणा, नष्ट हो गया शरीर, बीज पड़ा है, बीज पड़ा है सद्गुरु के ज्ञान का, बीज पड़ा है स्वरवेद का, स्वरवेद का स्वर गूंजा है, साधना का अभ्यास किया है, सेवा में रमा है, रचा है, सत्संग में रुचि के साथ भाग लिया है, सेवा में रहा है, सत्संग में रुचि के साथ है। अरे इस साधक ने तो साधना का अभ्यास किया है, पुनः इसे मानव का चोला मिलेगा, विहंगम योग का सिद्धांत मिलेगा, साधना मिलेगी। संत बीज बिन से नहीं, जो युग हो या अनंत, नष्ट नहीं होता, ये पड़ा है बीज, ये वृक्ष बनेगा, ये वृक्ष बनेगा। यूं ही नहीं बैठे हैं, यूं ही नहीं आए हैं संसार में, और ऐसे ही नहीं मिल गया है ये ज्ञान, ये सिद्धांत, ये साधना, ये सद्गुरु और ये स्वरवेद, ये शून्य शिखर ऐसे ही नहीं मिल गया है। सबके बड़े सौभाग्य है, बड़ भाग से ये मिला है, बहुत भाग्य से मिला है। हम एक सिद्धांत के साथ चल रहे हैं,
हम सदगुरु के अनुभवों से आगे बढ़ रहे हैं, हम साधना के साथ बढ़ रहे हैं, यूं ही नहीं बैठे हैं, यूं ही नहीं आए हैं और यूं ही नहीं चले जाएंगे। अरे हमारे अमर सदगुरु देव ने तो परम लक्ष्य तक पहुंचाने का महान संकल्प ले लिया है, हमें तो चलते रहना है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। विधिवत साधन है, सारा भार स्वयं ले लिया, पिंड और ब्रह्मांड से भी ऊपर ले जाऊंगा, स्वरूप में स्थित कर दूंगा, अमीय नद्य नहवाऊंगा, मकर डोरी धराऊंगा, सारा भार तो स्वयं ले लिया, हमें कहा यदि विधिवत तुम साधन करी हो। तो साधन का तात्पर्य बहुत व्यापक है, विधिवत साधन का अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। विधिवत साधन का अर्थ है सेवा भाव, सहजता, सहयोग, समन्वय, साहचर्य। विधिवत साधन का तात्पर्य है स्वच्छता बाह्य और भीतर। विधिवत साधन का तात्पर्य है सत्संग, खूब सत्संग। विधिवत साधन का तात्पर्य है स्वर वेद मय जीवन। विधिवत साधन का तात्पर्य है यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है, यथार्थ लक्षण है।